यदि आपको भी नौकरी खोजने में सफलता नहीं मिल रही तो आज हम आपको 7 अचूक उपाय बता रहे हैं। यदि आप इन उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर बाधा दूर होगी और आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। कई बार योग्यता होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पाती। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के कारण नौकरी नहीं मिल पाती है। नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है। कई बार योग्यता होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पाती है। कई लोग तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट और योग्य होते हैं कि उसके बाद भी वह कई जगह इंटरव्यू देने जाते हैं और फेल हो जाते हैं, और वे सोचते हैं कि आखिर ऐसी क्या परेशानी है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। ज्योतिष में इसका हल दिया हुआ है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं। यदि आप योग्य व्यक्ति होने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही तो हमारे बताए हुए ज्योतिष के अनुसार कुछ उपाय को करें, आपके निश्चित रूप से नौकरी में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो सकती हैं। भाई जान लेते हैं। पहला उपाय है सोमवार के दिन। आप सोमवार के दिन आपको क्या करना है, महीने का पहला सोमवार, अगले महीने सितंबर शुरू हो रहा है, इसमें जो भी पहला सोमवार, पहले सोमवार के दिन एक सफेद कपड़ा लें। सफेद कपड़े में काले चावल बांध कर माँ काली को अर्पित करना चाहिए। इससे नौकरी में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो सकती है। दूसरा उपाय, प्रतिदिन पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज मिलाकर दाना डालना चाहिए। सुबह सुबह पक्षियों को दाना खिलाने से नौकरी में आ रही सभी प्रकार की अड़चने और बाधाएं दूर होने लगती हैं। इस यह अचूक उपाय है, आप इनको जरूर करें, क्योंकि आप इतने सारे पक्षियों को दाना खिलाते हैं तो वे हमें दुआएं देते हैं, जिससे कि हमें जल्दी ही हमारे ज्योतिष के जितने भी हमारे परेशानियां वे दूर होने लगती हैं। उनकी दुआओं से हमारे ज्योतिष की कुंडली मजबूत हो जाती है, इसलिए हमें नौकरी जल्दी मिलने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा है, और पक्षियों को पशुओं को खाना जरूर खिलाना चाहिए। तीसरा उपाय है, घर में उड़ते हुए भगवान हनुमान की तस्वीर लगाने से, रोजाना उनकी पूजा करने से सभी प्रकार की तकलीफें अपने आप ही दूर होती चली जाती हैं। चौथा उपाय, हर शनिवार शनि देव की पूजा करें। हर शनिवार उनकी पूजा करते हुए ओम शम शनिश्चराय इस मंत्र का 108 बार जप करें। पांचवा उपाय, इंटरव्यू देने से पहले घर से दही और चीनी खाकर निकलें। घर से निकलते समय अपना दायां पैर आगे रखें। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर जरूर जाएं। यदि आपके घर में कोई दादी माँ या कोई माँ या आपके घर में माता पिता या कोई भी बड़े बुजुर्ग है तो उनके चरण स्पर्श करके आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जरूर जाएं। छठा उपाय, इंटरव्यू वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर, स्नान के पानी में आप थोड़ी सी पिसी हल्दी को मिला लें। इसके बाद भगवान के सामने 11 अगरबत्ती जलाकर अपनी इच्छा कहें। सातवां उपाय, इंटरव्यू में जाते वक्त अपने हाथों से गाय को गुड़ चना या आटे के पेड़े में गुड़ रखकर खिलाने से भी नौकरी की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। ये कुछ 7 ऐसे अचूक उपाय हैं जो आज हमने आपको बताए हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी लग सकती है। यदि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत से इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और उसके बाद भी आप फेल हो जाते हैं तो इन उपायों के एक बार आजमा के जरूर देखें। तो हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो को काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन पर जरूर दबाएं। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें आप मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।